करियर में दूर जाना है इसलिए आपने सिलेक्ट किया TRS क्लिप्स हिंदी। ओके ओके ओके, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और सीखते जाओ, लाइफ में दूर चलते जाओ। आपको लगता है लोग ज्यादा पॉडकास्ट सुनेंगे? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल पॉडकास्ट सुनेंगे। ये डेफिनेटली मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, पर मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि देखो मैं ब्लाइंडसाइडेड हूँ, मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, शायद मैं थोड़ा बायस्ड हूँ उसे लेकर, पर मैं कंफ्यूज भी हूँ कि लोग सुनेंगे पॉडकास्ट को या नहीं। इस डोमेन का फ्यूचर मैं खुद जानता नहीं। पॉडकास्ट ही फ्यूचर है, बिकॉज लोग यू नो, आप स्वाइप कर रहे हो, आप वो टाइम पास है, वो एक्चुअली रुके, वो सीख नहीं रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और उसमें एंटरटेनिंग चीजें जिसमें आपको लगता है यार बहुत थक गया हूँ, रिलैक्स होना है मुझे, तो आपने लिप सिंक या फिर डांस किसी के देख लिए, कितना देर देख लोगे? सिर्फ उसमें कंज्यूम हो रहा है। बट अगर कोई नॉलेज चाहता है तो वो लॉन्ग वीडियोज में और स्पेशली पॉडकास्ट में जितनी डिटेलिंग आती है। इनफैक्ट मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, मैं खुद पॉडकास्ट पे आ गया हूँ। हम लोग अपना पॉडकास्ट और टॉक्स कर रहे हैं जहां पे लोगों को ज्यादा सीखने को मिलता है। आई होप कि उसका मार्केट बने इंडिया में। अफसोस की बात यह है कि अभी ऑडियंस घटी है, क्रिएटर बढ़ गए। ये भी बात है, बट सिर्फ यही नहीं चाहिए यंग इंडिया में, हमारे इंडिया को साइंटिस्ट अच्छे चाहिए, इंजीनियर्स अच्छे चाहिए, और बहुत सारी फील्ड है जहां पर लोगों का दिमाग है। अभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्टार्टअप कल्चर आया है, और इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में स्टार्टअप को लेके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो यूथ का ध्यान अभी वहां पर गया है, और ऐसा बोला जा रहा है बार बार, और ये मैं कह सकता हूँ शायद ये गवर्नमेंट की वजह से भी होगा। 2020 या 2030 ये जो डिकेड है वो स्टार्टअप कल्चर का है, और मुझे लगता है इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। हम देखो, सबसे बढ़िया बात क्या थी इंडिया की, हम सर्विस क्लास थे, रिसेशन आया तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम सर्विस क्लास थे। अब जब मार्केट का फायदा उठाना है तो हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन एनवायरमेंट में, जहां पर हमारा यूथ भी अब समझ चुका है, स्टार्टअप का कल्चर भी आ चुका है, तो हम लोग सर्विस क्लास से अब धीरे धीरे हमारा यूथ जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बस जरूरत है समझने की कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर मत बनो, या फिर कैमरा लेके क्लिक करके किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए डांस वीडियोस और सिर्फ लिपसिंग वीडियोस मत बनाओ यार। एक्चुअली इंडिया को इससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारे यूथ से, और वो करना है।